नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है जमाई राजा स्टार कास्ट रवि दुबे और निया शर्मा बहुत करीब आ चुके हैं। इस बात को लेकर सरगुन मेहता को फिलहाल दिक्कत हो रही है। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं, जमाई राजा एक्टर्स जो कि रवि दुबे का किरदार जो प्ले कर रहे थे और इधर निया शर्मा एक किरदार प्ले कर रही थी, तो ये दोनों एक्टर्स बहुत ही करीब आ चुके हैं। तो आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि जमाई राजा सीजन 1 में ये काफ़ी क्लोज आ चुके थे और अब सीजन 2 आने वाला है। और ये फ्रेंड्स की बात करें तो ये काफ़ी टाइम से इनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चल रही है, जो कि लोग तो यही सोचते हैं कि शायद ये हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि आपके सामने जमाई राजा सीजन 2 आ रहा है 10 सितंबर से। तो आपको यही बताना जा रहा हूँ कि रवि दुबे और निया शर्मा बहुत ही क्लोज आ चुके हैं। क्लोज की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस टाइम की ब्रेकिंग न्यूज़ पे। तो रवि दुबे और निया शर्मा का जो एक ये दोनों कैरेक्टर प्ले कर रहे थे सिड और रोशनी का, सिद्धार्थ खुराना रोशनी पटेल और सिद्धार्थ खुराना का रोल बहुत ही बखूबी निभाया था इन लोगों ने, जो कि जी टीवी का सबसे बड़ा शो रहता है। लेकिन अब ये एक वेब सीरीज़ बन चुकी है। वेब सीरीज़ आपके सामने जी फाइव पे आप इस शो को देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी को मैंने पहले भी बता दिया था कि निया शर्मा और रवि दुबे की बॉन्डिंग की बात करें तो इनकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है और पूरी टीम की ही बॉन्डिंग इनके साथ में बहुत बढ़िया है, क्योंकि रवि दुबे टीवी के इस टाइम सबसे बड़े एक्टर हैं। और इधर बात करते हैं उनके सुपरस्टार होने की वजह, टीवी के सुपरस्टार, तो इधर अचिंत कौर हैं, उनका बहुत अच्छा तरीका से सपोर्ट मिलता है अचिंत कौर का, निया शर्मा हो या रवि दुबे हो, इन सभी को इनका साथ मिलता है। हालांकि अचिंत कौर का निया शर्मा और रवि दुबे के साथ में बहुत ही एक अच्छी बॉन्डिंग है पहले से ही, क्योंकि सीजन 1 में रवि दुबे की सासू माँ का किरदार प्ले किया था स्क्रीन पे अचिंत कौर ने, जो कि रवि दुबे की सासू माँ बन रही थी और इधर निया शर्मा की मोम बन रही थी। तो निया शर्मा और रवि दुबे बहुत ही क्लोज आ चुके हो तो आप सभी को पता ही है। तो आप सभी के लिए जानकारी के लिए एक चीज़ और मैं बता देना चाह रहा हूँ आप लोगों के बीच में। आपने क्या देखा था सीजन 1 में कि एक दुर्घटना में दोनों की डेथ हो जाती है, लेकिन अब सीजन 2 में जमाई राजा यानी सिद्धार्थ खुराना अपना बदला लेते नजर आएंगे अपनी सासू मोम डीडी पटेल से। ठीक है दोस्तों, आपने ये देखा था कि फिलहाल तो उन्होंने उस सीजन में तो उन्होंने उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार किया, ठीक है, लेकिन अब सीजन 2 थोड़ा अलग होगा और थोड़ा अलग के साथ में थोड़ा हटके होगा। आपने सीजन 1 देखा था, लेकिन अब सीजन 2 की बारी है। सीजन 2 में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और बहुत कुछ के साथ साथ में इसमें कुछ किसिंग सीन भी फरमाए जाएंगे, जो कि शायद आप लोगों को पसंद भी आए। ठीक है, तो दोस्तों आपको इस बारे में क्या कहना है, आप इस में खुल के अपनी राय दे सकते हैं। और एक चीज़ और है, आपसे एक बात बोलनी है मेरे को कि रवि दुबे और निया शर्मा की अगर कोई भी अपडेट चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई भी अपडेट चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए मैं हर समय तत्पर हूँ और कोई भी न्यूज़ या कुछ भी चाहिए आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि रवि दुबे और निया शर्मा का शो जो आ रहा है उसकी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं। फिलहाल शूटिंग के काफ़ी एपिसोड शूट कर लिए गए हैं, आप लोगों के बीच में आ ही जाएंगे। ठीक है, जैसे आ जाएंगे तो आप सभी को खुद ही पता चल जाएगा कि कितने टाइम में आ जाएंगे। ठीक है, अरे हाँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपने यार मेरी वीडियो लाइक नहीं करी तो प्लीज़ वीडियो तो लाइक कर लीजिए ना। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों के बीच में कि निया शर्मा और रवि दुबे कैसे क्लोज आ चुके हैं। वो एक टीवी सीरियल में क्लोज आ चुके हैं, वैसे रियल लाइफ में वो क्लोज नहीं आए, रियल लाइफ में क्लोज आए। ठीक है, तो आप सभी टेंशन ना लीजिए और उनके लिए बस प्रे कीजिए कि उनकी जोड़ी सुपरहिट रहे पर्दे पे और वो आपके सामने फिर दोबारे से आपके सामने फिर किसी जोड़ी में नज़र आए। ठीक है, तो आप सभी के से बस गुड विशेज़ की ज़रूरत है जमाई राजा सीजन 2 के लिए। तो देखते रहिए आप जमाई राजा सीजन 2, जो कि एक वेब सीरीज बन चुका है और जी फाइव पे आपके सामने ये शो आ रहा है। तो बहुत ही जल्दी आपके सामने ये शो आ रहा है और शो का इंतजार ख़त्म हुआ, आप शो को देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बस आप आज तक की यही बात है कि फ़िलहाल आप अपने जमाई राजा सीजन 2 को 10 सितंबर से जी फाइव पर देख सकते हैं रवि दुबे और निया शर्मा को, जो कि आपकी फेवरेट स्टार कास्ट है उसमें, और उसमें अचिंत कौर से बदला लेते नज़र आएंगे। अचिंत कौर जो करेक्टर प्ले कर रही हैं वो डी डी पटेल का करेक्टर प्ले कर रही हैं। डी डी पटेल का करेक्टर बहुत ही दमदार और धांसू होने वाला है। ठीक है, और इधर बात करें रवि दुबे की तो रवि दुबे सिद्धार्थ खुराना का और रोशनी पटेल का जो किरदार प्ले कर रही थी वो निया शर्मा है। आपने मेरी वीडियो देखी, उसके लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।